अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी का अमृत काल मना रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, हम भी मनाते हैं और यहां तक कि अब तो आरएसएस भी तिरंगा की डीपी लगाने लगा है, वहीं वो अपने हेडक्वार्टर दफ्तरों में भी तिरंगा फहराने लगा है। तो हम भी आजादी का पर्व मनाते हैं, लेकिन ये आजादी कंगना रनौत वाली आजादी होगी। जी हाँ, 2014 वाली आजादी हम मनाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से 2014 से पहले देश गर्द में डूबा हुआ था और फिर एक मसीहा आए और उन्होंने छड़ी घुमाई और सब कुछ रातों रात बदल गया और आज हम आजादी के अमृत काल में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक एक करके उनके वो सारे करिश्मे दिखाएंगे, उनकी वो वाणी दिखाएंगे जब वो बोला करते थे और उनके बोलने पर जो फूल झड़ते थे और लोगों को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे कि बागों में बहार हो जाएगी अगर देश के मसीहा आ गए, मोदी जी आ गए तो। जी हाँ, सबसे पहले उनका ये वीडियो सुनिए। ठीक 9 महीने के बाद देश सुराज्य के मार्ग पर चल पड़ेगा, देश विकास की राह पर चल पड़ेगा, देश भाग्य बदलने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा। सुना आपने हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री किस तरीके से कहते थे कि हमारी सरकार बनते ही 9 महीने के अंदर भारत का भाग्य बदल जाएगा और चारों तरफ विकास ही विकास दिखेगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हर तरफ विकास ही विकास है, सिलेंडर सस्ता हो चुका है, रोजगार, हर बंदा रोजगार लेकर घूम रहा है, पैसों की कमी नहीं है, रुपया आसमान छू रहा है। तो मोदी जी ने जो है पूरे भारत की विकास के जरिए पूरी काया पलट दी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और कई वीडियोज है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की वायरल हो रही है, एक एक करके सारी वीडियो दिखाऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि किस तरीके से, कब, किस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो सब्ज बाग दिखाए थे आज उसका अमृत काल में हम जश्न मना सकते हैं। जी हाँ, अब ये अगला वीडियो सुनिए। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा दें। तो सुना आपने, इस वीडियो में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में 24 घंटे गांव-गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम कर दिया है। आज भारत में कहीं भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर अंधेरा हो, 24 घंटे लाइट आती है, कहीं पर अंधेरा नहीं होता है। ये भारत में, दुनिया में, बल्कि इतिहास में पहली बार संभव हो पाया है, वो भी सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए। हालांकि वो बात अलग है कि हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस गांव से आती है वहां भी बिजली अभी हाल फिलहाल में पहुंची है जब वो राष्ट्रपति बन गई। इसके अलावा भी इनका एक और वीडियो सुनिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। तो सुना आपने किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने एक एक गरीब को जो है, जो हवाई चप्पल पहनता था उसको हवाई जहाज में बिठाने का काम किया है। जी हाँ, आज कोई सड़क पर नहीं चलता है, आज किसी के पास साइकिल नहीं है, सब लोग अपने अपने प्राइवेट जेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके लिए भारतवासियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। जी हाँ, अब ये इनका अगला वीडियो सुनिए। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है, सैद्धांतिक रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार देश में चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए, मेरा विरोध इस बात का है।
भ्रष्टाचार पर किस तरीके से इन्होंने जंग लड़ी है। आज भारत में भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार के नाम पर एक भी रुपया काले धन में नहीं बचा है। लोग थर्राते हैं, कांपते हैं, ईडी को कहीं अगर वो छापा मारने जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए नहीं मिलते हैं, अब झारखंड में कुछ नहीं मिलता। करप्शन के खिलाफ इस तरीके से जंग लड़ने वाले हमारे देश को पहले प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने करप्शन से एकदम सफाया कर दिया है। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जितने भी डिफॉल्टर थे उनको सबको मारकर बाहर भगा दिया कि आप लोग जाइए और बाहर रहिए, जो करप्शन करेगा उसका हमारे देश में कोई काम नहीं है। इसलिए वो लोग पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। और काले धन की तो आप सब जानते ही है, काले धन की जगह आजकल प्रधानमंत्री काला जादू खेल रहे हैं। और अब ये उनका ये वीडियो सुनिए। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो सुना आपने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कसम उठाई है कि वो देश को नहीं बिकने देंगे। हालांकि वो दो लोगों को जरूर दे सकते हैं लेकिन बेचेंगे नहीं। जिस तरीके से अडानी अंबानी को लगातार अमीर बना रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उससे तो ये बात जाहिर है कि मोदी जी ने देश बिकने नहीं दिया, बल्कि वो घर का घर में ही है। अंबानी और अडानी भी भारतीय ही हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह, एक परिवार में अगर दूसरे परिवार पर चीज जाती है तो उसको बेचना नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके की भी चीजें हैं, लेकिन लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और अब ये देखिए, जो सब्ज बाग हमें दिखाए गए थे उसकी एक झलक देख लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। अच्छे दिन, वाह। तो सुना आपने, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वो इंतजार खत्म हो चुका है, अब 2022 चल रहा है, हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और सबके अच्छे दिन चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल डीजल गैस सबको मैं ठीक कर दूंगा, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आज पेट्रोल फ्री में मिल रहा है, गैस भी फ्री में मिल रहा है और डीजल भी फ्री में मिल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता जितना चाहे उतना ले सकती है, बल्कि तेल के तो सरकार ने कुएं खुदवा रखे हैं, आप चाहे तो वहां जाकर फ्री में भर सकते हैं। तो ये से हालात है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश की काया पलट देंगे 9 महीने में, तो 9 साल जरूर लगे लेकिन काया पलट चुकी है। आज जो है भारत में कई लाख जो है तेल के कुएं हैं और गैस के कुएं हैं। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था उस पर वो खरे उतरे हैं, और जिसका हम अमृत काल में प्रदर्शन देख रहे हैं, जिन चीजों को हम महसूस कर रहे हैं, जिन चीजों से हम फायदा उठा रहे हैं। और अब अगला वीडियो देखिए। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से डॉलर को प्रोटेक्ट कर मारा है। जब 2014 से पहले एक जमाना था कि 65 के मुकाबले 1 रुपया होता था, आज जो है डॉलर धड़ाम से गिरा पड़ा है, रुपया इतना सशक्त हो चुका है, मजबूत हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे कि अमृत काल की देन है, जहां हमारे प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है कि उन्होंने हमें अच्छे दिन ला के दिए, ऐसे दिन जहां पर रुपए की कीमत करोड़ों में है, अरबों में है, 1 रुपए से आप जो है पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। और इसके अलावा ये देखिए, मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा
जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। आज से ठीक दो दिन बाद भारत में एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान ना हो, अपना खुद का पक्का मकान ना हो। तो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था अपने आप से, जो उनका सपना था, वो अब दो दिन बाद पूरा होने वाला है। तो आप जो है बस दो दिन और इंतजार कीजिए, फिर सबके हर किसी को घर पक्का मकान मिल जाएगा। अब इसके अलावा ये एक और वीडियो देखिए। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। किस तरीके से चीन जो है ड्रैगन वो थर थर कांप रहा है, ये भी हमारे मसीहा का कमाल है कि उन्होंने अपनी आंखों से आज चीन को जो है हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से, पेंगोंग झील से भगा दिया है। आप देख सकते हैं वहां पर जो गांव बसे हुए हैं वो अफवाह है, फर्जी है। बाकी हमारे देश का जो 56 इंच का सीना था हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस 56 इंच के सीने और लाल आंखों का जोर देखिए, आज चीन जो है कैलाश पर्वत छोड़कर भी भाग चुका है और भारत का वहां पर कब्जा हो जाएगा जल्द। ये भी अमृतकाल की निशानी है। और देखिए हमारे देश के किसान जिनकी अब दो आय जो है वो दुगनी हो चुकी है, 2022 चल रहा है, मोदी जी ने वादा किया था, और 2022 में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। ये वीडियो भी सुन लीजिए। और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। और अंत में ये उनकी वीडियो देखिए जिसमें वो रेलवे का जिक्र कर रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। जिसमें वो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं रेलवे नहीं बेच रहा हूं, लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, मैंने किसी अडानी को कोई ठेका नहीं दिया है, मैंने कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं लगाए हैं, ना ही मेरा सपना है कि भारत को बुलेट ट्रेन मिले। तो मोदी जी पर इल्जाम लगते आए हैं। लेकिन ये जो है कुछ यादें थी पिछले, जब से देश आजाद हुआ है, कंगना रनौत वाला जो आजादी मिली है 2014 वाली, तब से हमने आपको रिकैप दिखाया कि किस तरीके से हमें 2014 में मसीहा मिला जिसने छड़ी घुमाई और देश की काया पलट दिया। आज विकास जो है वो अपने कामों से बोल रहा है, चारों तरफ खुशहाली है, हर घर तिरंगा है और गैस फ्री में मिल रहा है, तेल के कुएं खुदे पड़े हैं, भारत में अब किसी भारत के किसी भी गाँव में अब अंधेरा नहीं होता है, लोगों के पास इतना रोजगार है कि उनका काम करने का दिल नहीं करता है। तो ये सब अमृतकाल की निशानी है। आज हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और हमने ये आजादी के बाद से अब तक का रिकैप दिखाया। आजादी के बाद यानी के कंगना रनौत वाली आजादी, 2014 वाली आजादी में कह रहा हूं, क्योंकि कंगना रनौत और तमाम भक्तों का मानना है कि जब देश को एक मसीहा मिला प्रधानमंत्री के रूप में, तब असल में देश आजाद हुआ। और ये रिकैप था पिछले 7-8 सालों का, किस तरीके से हमारे मसीहा ने, देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश को 4 चांद लगा दिए, उसके भाग्य बदल दिया। और आज जो है युवा इतना खुश है कि उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है, रोजगार इतना है, लोगों के पास पैसे इतने हैं कि उनको खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सब्जी, फल, प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन बाजारों में इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं कि लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ एलपीजी गैस के प्लांट्स लगे हुए हैं, आप जितना मर्जी गैस भरा लीजिए कोई पैसा नहीं लगेगा। और तेल के इतने कुएं खोद दिए हैं, बना दिए हैं कि आप जहां चाहे वहां से फ्री में जितना चाहे पेट्रोल डीजल भर सकते हैं। तो ये अमृतकाल की निशानी है। ये हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं बतौर कंगना रनौत। 2014 के बाद जब हम आजाद हुए, हमको एक मसीहा मिला जिसने इस देश का भविष्य बदल दिया, पूरा भाग्य बदल दिया और आज उसको अमृत काल में पहुंचा दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस अमृत काल पर आपकी क्या राय है, इस 2014 वाली आजादी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।